आप सब झूठ बोल रहे हो। 18 तक ही करा था बस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक, आप ही का बैठता बहुत देर से। थैंक यू सर फॉर वेटिंग मी। आगे नेक्स्ट वॉइस। यस मैम कर ली होंगी, सब कर लिया मैम। आपको आज जो वॉइस आ रही है क्या पीछे से? बैकग्राउंड वॉइस आ रही है क्या बच्चों बताओ? सर अगर आ नहीं रही होती तो मैंने वो लाइन रिपीट कैसे करी? मतलब ज्यादा आ रही है क्या? देखो आएगी तो जरूर। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो टेक्निकल एफर्ट। इसमें कुछ नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो। बोलो रिया। क्या बोल रही हो रिया? आप तो थोड़ी तेज बोलो। देखो मैम की आवाज कहाँ तक जा रही है, आपकी वहां से यहाँ तक नहीं आ रही। आज भी नहीं जा रही है मेरी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रिया, कैसे हो आप? अच्छी। बहुत अच्छा लगा सुन के। 19 से करना है तो फिर 19 से करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में सभी अच्छा अच्छा फील आता, क्वेश्चन करते करते सब बोलते सर अब रहने दो। अभी तक ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 करा था बच्चों, पूरा पंगा हो गया आपको मैडम की और मेरी वॉइस का। क्या करें, कितना भी तेज बोलो उनसे थोड़े ना जीत सकते हैं। देखो इस यहाँ तक क्वेश्चन में हमने क्या करा था, जो भी हमारे पास ए है उसको हमने टोटल में से 12.5% सैलरी क्रिटिका। गुड आफ्टरनून क्रिटिका। अब देखो यहाँ हमने क्या करा, 60% को तो इक्वली डिवाइड कर दिया ए और बी में। जितना भी टोटल होगा उसमें से 60% को तो इक्वली डिवाइड कर दिया, जो रिमेनिंग बचा वो रिमेनिंग डिस्टरबेंस करेगा, तो फिर उस रिमेनिंग को हम ए और बी के रेशियो में डिवाइड करेंगे जैसे हमने अभी तक करा था। एक बार इस क्वेश्चन को आप सब ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की तरह। फटाफट से इसको कंप्लीट करके फिर हम करेंगे टाइम एंड वर्क। बहुत इजी चैप्टर, उससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आप यहाँ ए और बी की कैपिटल का रेशियो बताओ क्या होगा। 125:85 फंटास्टिक, रियली सो फंटास्टिक। कितना होगा रेशियो? बिल्कुल वेरी गुड उमंग। ए और बी की कैपिटल का रेशियो होगा 25:17। सबसे पहले ना आप इसी को कंप्लीट कर लो भाई, जो भी हमें डिवाइड करना है उसको हम डिवाइड करेंगे 25/42 रेशियो 17/42। अब देखो आप, अब आप ये बताओ 60% का क्या करोगे? अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो सर। 60% का ये करेंगे कि इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो 3/5 आएगी। तो अगर सर टोटल हम 5 मान लेते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं सैलरी जो हो जाएगी इसकी ए की, तो वो 3 हो जाएगी, और जो डिस्टरबेंस होगा सर वो 2 का हो जाएगा, है ना सर? तो फिर उस पर उसमें ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें मतलब सर वो 42 का वो बन जाए, क्या कहते हैं उसको मल्टीपल। फिर उधर से उधर उसको उड़ा देंगे और इससे उसको उड़ा देंगे, और मतलब काट देंगे, सॉरी मैं देसी लैंग्वेज में। अरे नहीं सर, मतलब काट देंगे, कट कर देंगे, कट कट। हाँ जी हाँ सर, ऐसे ही करेंगे मतलब। बिल्कुल बोला था ठीक है, फटाफट से ऐसा कर भी दो बच्चों। आप सब भी कुछ बोल लो, कोशिश करो। आधे तो हमारे पास बच्चे भी ऐसे हैं, वो तो बस ज्वाइन ही सुनने के लिए करते हैं शायद, उन्हें मेरी वॉइस से इतनी मोहब्बत है भुला नहीं पा रहे हो। बिल्कुल वो जॉइन ही उससे करते हैं बस, ओनली हेडफोन।
सर इनको ऐड करके 42 आया ना, मतलब डिनोमिनेटर। हाँ जी 25 और 70 करके 42। देखो चलो लड़कों का तो ठीक है, इन्होंने जो इन्हें माइक्रोफोन से कहा है इतने टाइम में तो आदत भी हो जाती है इस एज तक, लेकिन लड़कियां क्यों ज्वाइन करती हैं माइक्रोफोन से, ऐसा हो सकता है क्या? वो भी चुप रहे। देखो 60% की फ्रैक्शन होगी 3/5, 60% की फ्रैक्शन है 3/5, अगर टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 5, टोटल प्रॉफिट है 5, तो इसमें से हमारे पास ये 3 तो इक्वली डिवाइड हो गया। अब जो भी डिस्टरबेंस करेगा, ये 2 है जो भी डिस्टरबेंस करेगा, तो इसका मतलब इस 2 को हमें ए और बी में डिवाइड करना है 25:17 में। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे 42 का मल्टीपल बन जाए। बताओ किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो? 21। अगर हमारे पास टोटल प्रॉफिट होगा 105, तो इसमें से इक्वली कितना डिवाइड होगा? 63। तो ये डिस्टरबेंस कितना करेगा? 42। तो बस इस 42 को ए और बी में 25:17 में डिवाइड कर दो। तो आपके पास अब रेशियो कितना आएगा, फाइनल रेशियो कितना आएगा? 25:17। देखो फाइनल रेशियो आया हमारे पास 25:17, ए को मिला 25, बी को मिला 17, तो ए को बी से कितना ज्यादा मिला बताओ, ए को बी से कितना ज्यादा मिला? एट की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है? 300। ए को बी से 300 ज्यादा मिला, एट की वैल्यू गिवन है 300, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 300/8। 8 की वैल्यू है 300, 1 की वैल्यू होगी 300/8। 300/8 कितना होगा बताओ? 75/2। 1 की वैल्यू है 75/2 और हमें फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट, मतलब 105 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 75/2, तो 105 की वैल्यू कितना होगा बताओ आंसर? ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ये 3900 के आसपास जाएगा और 5 से भी ज्यादा, 3950 के आसपास होगा। बताओ कितना होगा एग्जैक्ट? बच्चों कर लो थोड़ी सी कैलकुलेशन। टोटल प्रॉफिट होगा 3937.5। बच्चों समझ आया आपको क्वेश्चन? वैसे मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? कुछ भी नहीं करना, जो आपने इक्वली डिवाइड कर दिया वो तो इक्वली डिवाइड हो गया, अब डिस्टरबेंस क्या करेगा रिमेनिंग? तो बस वो जो रिमेनिंग बचा उसको आप ए और बी में 25:17 में डिवाइड कर दो, और ये काम तो अभी हम बहुत पहले से कर रहे हैं 13 या 14 नंबर क्वेश्चन से। बताओ क्वेश्चन नंबर 19 में कोई डाउट? अनकाउंटेबल नाउन वाटर, ये दिस वन, ये मिस हो गया था। अगर आपको 19 में कोई भी डाउट नहीं था तो फिर 20 का आंसर बताओ कितना होगा?
और बच्चों ट्राई कर लो, ऐसा मत सोचे करो, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं जब सर कराएंगे हम नोट्स बना लेंगे। बेटा कब तक नोट्स बनाओगे, कर लो कुछ। नोट्स बनाते बनाते कितने मैच कंप्लीट हो गए? उमंग 4500 के आसपास आएगा। 4500 के आसपास आएगा। उमंग अनिमेश कहाँ गया भाई? 1800 आंसर। पता हूँ। पता नहीं। वेरी गुड। और किसको पता होगा? मुझे कैसे पता होगा? और किसी को पता हो ना हो मुझे कैसे पता होगा? एक्स्ट्रा क्लासेस तो आपकी चलती है। ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ भी। 1800 देखो, क्लास मिस करता नहीं है वैसे तो अनिमेश, लेकिन आजकल पता नहीं कहां गया है। सबसे पहले आप ये बताओ ए और बी की कैपिटल का रेशियो कितना होगा? 5:12 तो अब हम कितना कितना डिवाइड करेंगे? 5/12 रेशियो 7/12 अब देखो यहाँ हमने क्या करा, 70% को तो इक्वली डिवाइड कर दिया। 70% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 7/10 7/10 अगर टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 10 अगर टोटल प्रॉफिट है 10 तो इक्वली डिवाइड कितना कर दिया हमने? 7 तो डिस्टरबेंस कितना करेगा? 3 तीन का। तो बस इस 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे 12 का मल्टीपल बन जाए। 3 का टेबल तो याद ही होगा क्योंकि टेबल्स तो आपको 20 तक याद है। 40, 28 और 12 अब बस इस 12 को आप ए और बी में डिवाइड कर दो तो ए और बी की कैपिटल का रेशियो कितना होगा? 5:12 5:7 अब आप ये बताओ टोटल प्रॉफिट में एक बी को कितना ज्यादा मिला है इससे? भाई ए को मिला है 5 इसको 2 मिला है 7 तो बी को कितना ज्यादा मिला? 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 90 2 की वैल्यू है 90 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 45 2 की वैल्यू है 90 1 की वैल्यू होगी 45 हमें फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट मतलब 40 की वैल्यू 1800 1 की वैल्यू है 45 तो 40 की वैल्यू कितना होगी? 1800 बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो अब यहां तक के जो क्वेश्चन है ना उनका प्रोसेस एकदम सेम ही था। हाँ जी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब एक बार फिर से बोलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना इस बार एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आएंगे मतलब और डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा इससे कुछ दिमाग लगाने देखो आप दिमाग लगाओगे कहां से पहले तो ये बताओ दिमाग लगाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं करते आपके जैसे अच्छे बच्चे बस जितना क्लास में कराया जाए इतना करो और मॉक टेस्ट दो इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा अब देखो इन्हीं में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है लैंग्वेज के साथ लेकिन क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आए सर मॉक टेस्ट से याद आया मेरे को ये मॉक टेस्ट सर इस बार में ये सर ये लेंथ ब्रेथ वाले क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मतलब कौन से शिफ्ट में लेंथ ब्रेथ निकलवाते हैं कोई बैंक के पेपर में नहीं बैंक में 2D तो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस 2D सर ये तो बताया नहीं लेंथ ब्रेथ सर इसमें मॉक में देखा था क्वेश्चन लेंथ ब्रेथ मैंने कहा ये क्या कब पढ़ा आता नहीं है कभी आगे लेंथ ब्रेथ
रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का एरिया, हाँ सर वही रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ वगैरह ये सब, इनके पास फॉर्मूले याद करने हैं, वो भी फिक्स नहीं है कि एग्जाम में आए। हाँ जी सर, इसमें हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? मतलब आप बोलते हो ना कि नीचे डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट बनाने के लिए जिस भी वैल्यू को हमने डिवाइड करना है इक्वली या मतलब उनके उसके अकॉर्डिंग कैपिटल को अकॉर्डिंग को भी डिवाइड कर दो तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है। थ्री के प्लेस पर अगर हमने 12 कर लिया तो डायरेक्ट कट जाएंगे, 5:7 आ जाएगा। थ्री को भी डिवाइड कर सकते हो आप, लेकिन वहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन बन सकती है। सर अच्छा कि 15:21 हो जाएगा, फिर ऐसे करके लेंगे 15:21 भी कितना होगा 5:7। यस सर, तो थोड़ी सी भी कैलकुलेशन से तो हमें बचना ही है, तो उस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए आप इस डायरेक्ट 3 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो जिससे 12 से डायरेक्ट कट जाए, ना डेसिमल आए ना फ्रैक्शन। एक्चुअली उससे आंसर में भी फर्क पड़ेगा, वो मैंने अभी नोटिस किया कि जैसे अगर 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट तो 12 से 12 तो कट गया, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी। अच्छा अच्छा, मतलब आंसर कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा, फाइनल रेशियो तो आपका भी यही आया होगा ना 5:7। सर तो फिर मेरी 2:90, लेकिन मेरी वो वैल्यूज भी नहीं ना उधर चेंज हुई, तो मेरे तो टोटल में मैंने 10:45 कर दिया। 10:45 आपका टोटल 10:440 बना है ना, आपने 4 से क्योंकि डिनोमिनेटर की इक्विवेलेंट करने के लिए आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 3 को करके देख लेते हैं। चलो बच्चों 12 के प्लेस पर 3 पुट करो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि बातें तो सेम ही हैं दोनों। जी सर, मैंने भी वैसे ही किया है सर, एक्चुअली आपने 3 को सर जो 12 बनाने के लिए 3:4 करे ना सर, तो वो वाला स्किप स्टेप स्किप करके हम लोग जो रेशियो है वो तो सेम ही आ रहा है, जैसे कि 5:7, तो अभी हम वहाँ से 1 का वैल्यू आ रहा है 45, फिर अभी टोटल 10, सो 10:45 ऐसा करके तो 450 ऐसा करके तो गलत आ रहा है सर आंसर। एक सेकंड रुको, लेकिन आना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग एक ही तो जैसे कि 4 से इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं टोटल प्रॉफिट में, फिर इक्वली जो डिवाइड हुआ उसमें। कितना होगा ये, एक सेकंड रुको, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी। एक सेकंड रुको, 5:7 तो एक नई दिक्कत आई है, ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। देखो सर, इसमें हमने क्यों नहीं फिर डिनोमिनेटर वो किए, अब तो आ जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तो 20 और 28 हो गए ना। नहीं तब भी तो 2 ही डिफरेंस आ रहा है ना उसमें तो। नहीं एक सेकंड रुको, या तो मैं भी कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो आज फुल नींद में हूँ एकदम। क्योंकि ऐसा हो तो बिल्कुल भी नहीं सकता। और सर ये जो नंबर्स आपने साइड में लिखे थे ये मुझे एक्चुअली पहले भी पूछना था,
जो टोटल ई और डी यहाँ जो साइड में लिखा हुआ है ये हमने अज्यूम किया है या फिर कहीं गिवन था? ये तो 70% है ना, इसको अज्यूम नहीं करा कहीं भी, ये तो ठीक है सब। अच्छा उसको मतलब इक्वल 12 लाने के लिए आपने इनटू 4 अपने आप ही ले लिया। अब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ओके तो कहाँ गड़बड़ हो रही है, ऐसा हो तो बिल्कुल भी नहीं सकता 110%। चलो देखते हैं क्लास के बाद इसमें कहाँ दिक्कत है। ऐसे दिक्कत, चलो देखते हैं क्लास के बाद आप कहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, 1 घंटे क्लास है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा, ठीक है उमंग? यस सर। क्योंकि बातें तो दोनों सेम ही है, बस हमने इस 12 को इधर रिमूव कर दिया, रेशियो तो अब भी हमारे पास सेम ही है। चलो देखते हैं इसको, वो तो मेथड 100% ठीक था, ठीक तो ये भी है, लेकिन चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। इसको करो रीड फटाफट से, इसको रीड करो आप, तब तक इसमें कोई बहुत छोटी सी मिस्टेक होगी, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो ऐसा तो 100% हो ही जाएगा, क्योंकि बातें तो दोनों सेम ही है। करो इस क्वेश्चन को रीड, अब तुमने एक सिरदर्दी दे ही दी बच्चों। तो बच्चों तुम्हारी जीरो भी ऐसी हो रही है ना, समझ में नहीं आ रहा। करो भाई बच्चों फटाफट से ट्राई, देखो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और जो कॉन्सेप्ट आप अभी तक कर रहे हो सेम उसी पर बेस। तो 4:7 4:7 कैसे करा बताओ, मुझे लग रहा है गलत होगा, लेकिन मतलब मैंने सीधा वही किया कि इनकी रेशियोज निकाल ली, उसके बाद उनकी रेशियोज ही तो निकाल ली थी और बी की तो निकाल ली, उसके बाद भी तो कुछ करा होगा।
नहीं सर। राधिका आप बताओ कैसे करा। सर इनका रेशियो निकालिए दोनों का पहले, और सर सी का रेशियो 11 होगा, मीन्स उनको फिर 11 में डिवाइड करेंगे तीनों को, और 11 की वैल्यू दे रखी है अपने को 2,20,000, 1 की वैल्यू 20,000, तो सर इसका कितना लॉस हुआ फर्स्ट वाले को 1 का, तो 1 की वैल्यू 20,000 हो जाएगी 10 की 2 लाख। बिल्कुल वेरी गुड राधिका। देखो भाई ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा 32,000 और 56,000 के साथ। सबसे पहले आप ए और बी की कैपिटल का रेशियो बताओ क्या होगा, ए और बी की कैपिटल का रेशियो क्या होगा बच्चों, इसको तो बता ही दो। अब आप कब तक नोट्स बनाओगे आखिरकार? 4:7 4:7 ए और बी की कैपिटल का रेशियो होगा 4:7। अब देखो उसके बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन करा और सी ने ए और बी को 2,20,000 दे दिए कि आप इसको आपस में डिवाइड कर लो, लेकिन फाइनल जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब ये जो 11 है ये ए बी और सी में इक्वली डिवाइड होगा, तो ए को कितना मिलेगा 11/3, बी को कितना मिलेगा 11/3, और सी को कितना मिलेगा 11/3, क्योंकि ये जो टोटल प्रॉफिट है 11 ये ए बी और सी में इक्वली डिवाइड होगा। तो अब आप यहां से ये चेक कर लो, जिसको जितना लॉस हुआ उसको 2,20,000 में से उतना ही मिलेगा। भाई ए को स्टार्टिंग में कितना मिलना था 4, लेकिन ए को मिला कितना 11/3, तो ए को कितना लॉस हुआ 1/3। सेम ऐसे बी को चेक करो, बी को स्टार्टिंग में कितना मिला था 7, लेकिन बी को मिला कितना 11/3, बी को कितना लॉस हुआ। यहां से ए और बी का रेशियो आ गया 1:10। इसका मतलब ये जो हमारे पास 2,20,000 है ये ए और बी में 1:10 में डिवाइड हो जाएंगे। भाई जिसको जितना भी लॉस होगा उतना ही ए को मिल जाएगा, ए को जितना लॉस हुआ इस 2,20,000 में से उतना ए को दे दोगे, और बी को जितना लॉस हुआ उतना आप बी को दे दोगे, तो लड़ाई खत्म। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो बस वैसे ही था, थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। 11/3 के बाद से बता दीजिए। तो भाई 11/3 देने का क्या मतलब है? जो सी ने इतने पैसे दिए तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आप मुझसे 2,20,000 रुपए ले लो, लेकिन हमें जो फाइनल प्रॉफिट होगा ना उसको हम तीनों इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर ये 2,20,000 नहीं देता तो इनकी जो कैपिटल है वो 12 मंथ के लिए है, ये भी 12 मंथ के लिए, फिर इसका टाइम हमारे पास चेंज हो जाता, वो टाइम भी गिवन नहीं है और ना ही सी की कैपिटल गिवन है। तो सी ने क्या करा, 2,20,000 रुपए दे दिए और ये बोल दिया जो भी टोटल प्रॉफिट होगा वो ए बी और सी तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस 2,20,000 को ए और बी जितना भी उन्हें लॉस हुआ उसी रेशियो में ले लेंगे, ए को जितना लॉस हुआ उतना ए ले लेगा, बी को जितना लॉस हुआ उतना बी। भाई ए को मिलना था स्टार्टिंग में 4, ए को स्टार्टिंग में मिलना कितना था 4, लेकिन ए को मिला कितना 11/3, तो ए को कितना लॉस हुआ 4/3, 1/3, ए को कितना लॉस हुआ 1/3। सेम ऐसे ही बी को देखो, बी को मिलना था 7, बी को मिला कितना 11/3, बी को कितना लॉस हुआ 10/3। ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करो 1:11, 1:10, सॉरी 1:10। अब जितना भी जिसको लॉस होगा उतना ही उसको मिल जाएगा। 11 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2,20,000, तो यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी 20,000, 1 की वैल्यू है हमारे पास 20,000 और 10 की वैल्यू होगी 2,00,000। एक बात याद रखो बस, ये जो सी ने इनको अमाउंट दिया है भाई जितना जिसको लॉस हुआ होगा उतना वो ले लेगा, बात खत्म। बताओ समझ आया क्वेश्चन?
बोलो बच्चों, अब ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना, समझ आया या फिर नहीं आया? भाई एक सोचने वाली बात और भी है सर। सी ने 2,20,000 देने के बाद ये बोल दिया इक्वली डिवाइड करेंगे, तो इक्वली कितना लेंगे भाई? जिसको जितना लॉस हो रहा है उसको उतना मिल जाएगा, फिर वो रोएगा नहीं बाद में, मुझे ज्यादा मिलना था कम मिला, और इनका बिजनेस चलता रहेगा। तो जिसको जितना भी लॉस होगा उतना मिल जाएगा। बोलो रिया। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो सी का था कैपिटल वो क्यों इनटू हुआ? सी का कैपिटल नहीं है वो, लेकिन आप क्या बोलना चाह रहे हो मामा? इनटू क्यों हुआ वो 1 और 10 में? भाई जिसको अगर आप एक बात बताओ, आप और आपका भाई बिजनेस कर रहे हो, आपको अगर 10 रुपए का लॉस हुआ है तो आपको आपको भाई 10 रुपए तो देगा। अगर आप रो रहे हो तो 10 रुपए पकड़ लेके रोना मत अभी फिलहाल, और बाकी भाई रख लेगा। तो ऐसे ही करा यहाँ भी, टोटल सी ने 2,20,000 रुपए दे दिए, और जिसको जितना भी लॉस हो रहा है ना आप उतने उतने बांट लो। तो बी को लॉस हो रहा था 20,000, बी को 20,000 दे दिए, सी को लॉस होता 2,00,000, सी ने 2,00,000 रख लिए, बात खत्म। अब शेयर करके फिर लॉस का भरपाई की। हाँ बिल्कुल भाई, जिसको जितना लॉस होगा उतना ही तो आप उसको दोगे। आप एक बात समझो, इसमें से ए को लॉस होना था 20,000 का, और आपने बी ए को 40,000 दिए। अगर आपने ए को 40,000 दे दिए तो फिर बी को तो फिर भी लॉस ही रहेगा, तो फिर ए का अमाउंट देने या फिर ना देने का क्या फायदा? लड़ाई तो फिर भी बराबर रहेगी। तो बस सीधी सीधी बात ये जितना भी लॉस होगा उतना उसको दे दो। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो एकदम सेम। एकदम सेम क्वेश्चन है, एक बात याद रखो, जिसको जितना लॉस होगा इसमें से उसको उतना मिलेगा। थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। वन रेशियो थ्री, इसका मतलब ये जो 2,20,000 है इसको 1:3 में डिवाइड कर दो, ए को जितना मिलेगा उतना ए को दे दो, रिमेनिंग बी को दे दो, और बात बराबर। ए बी और सी, आप ये बताओ यहां पर ए और बी की कैपिटल का रेशियो क्या है? 5:7। फिर से समझो जिनको समझ नहीं आया, इसका मतलब ये जो 12 है भाई, इन्हें टोटल प्रॉफिट हुआ 12। ये जो 12 है, सी ने क्या करा, सी ने बोला तुम मुझसे 2,20,000 रुपए ले लो, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये जो 12 है, इस 12 को अगर आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ए को कितना मिलेगा 4, बी को कितना मिलेगा 4, सी को कितना मिलेगा 4। तो बस आप ये चेक कर लो, ए को स्टार्टिंग में मिलना था 5, अब मिला कितना 4, ए को कितना लॉस हुआ 1, बी को मिलना था 7, मिला कितना 4, बी को कितना लॉस हुआ 3। अब ये जो 2,20,000 है इसको ए और बी आपस में 1:3 में डिवाइड कर लेंगे, बस 4 की वैल्यू है हमारे पास, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 55,000। वन की वैल्यू है 55,000, तो 3 की वैल्यू कितना होगी? 1,65,000। बिल्कुल, तो इस 2,20,000 में से 55,000 ए को मिलेगा और 1,65,000 मिल जाएगा बी को।
बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ आए? बस हमारे पास लास्ट दो क्वेश्चन हो रहे हैं और फिर ये चैप्टर कंप्लीट। बच्चों रीड हो गया क्वेश्चन? रितेश आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, फिर से बोलो सर। वहाँ 12 की वैल्यू होगी, 4 की वैल्यू 2,20,000 जो था प्रीवियस क्वेश्चन में थी। 4 की वैल्यू, अच्छा अच्छा ठीक है सर, हो गया। यही तो समझ में नहीं आता, आप एक सेकंड में क्या कर लेते हो, यही समझना है। देखो अब इस क्वेश्चन को समझो, हमारे पास ए बी और सी थ्री पार्टनर्स हैं। हमारे पास जितना भी टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट का 2/7 मिला ए को, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लो, सपोज हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 14, सपोज हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 14, राधिका अभी देखते हैं क्या होगा। सपोज टोटल प्रॉफिट है 14, तो इसमें से ए को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा ए को बोलो? 4। टोटल प्रॉफिट का 2/7 मतलब 4 मिलेगा एक को, टोटल प्रॉफिट है 14, 4 मिला एक को, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 10। अब ये जो 10 है ये ए और बी में इक्वली डिवाइड हो गया 5 और 5। तो बच्चों ये तीनों बातें समझ आई आपको, अगर टोटल प्रॉफिट में से ए को मिलेगा 4 तो बी को कितना मिलेगा 5 और सी को भी कितना मिलेगा 5। अब इसके बाद फिर से बताना, टोटल प्रॉफिट को हमने एज्यूम कर लिया 14, टोटल प्रॉफिट को एज्यूम करा 14, टोटल प्रॉफिट का 2/7 मिलेगा ए को, टोटल प्रॉफिट का 14, 14 का 2/7 कितना होगा 4 मिला ए को, रिमेनिंग कितना बचा 10। वो जो 10 है उसको आपने बी और सी में इक्वली डिवाइड कर दिया। हाँ बोलो, ये टोटल प्रॉफिट 7 नहीं ले सकते? अगर 7 लेंगे तो देखो 7 भी ले सकते हो, लेकिन वही बात है बी और सी को इक्वली मिलना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई और नंबर होता जिसमें पॉसिबल होता तो ले सकते थे, पॉसिबल यहाँ भी है। ए को मिल जाएगा 2, रिमेनिंग कितना बचेगा 5, फिर बी को कितना मिलेगा 2.5 और सी को कितना मिलेगा 2.5। बस हमें इस डेसिमल को ही निलाना कहीं भी, इस डेसिमल से डेसिमल नहीं आ रहा है, कोई और नंबर है तो ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, फिर ले सकते हो भाई। एज्यूम करने का मतलब क्या है, जो आपको ठीक लगे आप कुछ को एज्यूम कर लो, लेकिन एज्यूम पे कोई इजी नंबर ही करना, क्योंकि एज्यूम का मतलब ये नहीं होता बहुत डिफिकल्ट एज्यूम कर लो। अब देखो बस एक छोटी सी बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर हमने ए की इनकम को 240 रुपीज इंक्रीज कर दिया, वापस परसेंटेज में पहुंचो फटाफट से, अगर हमने ए की इनकम को, आप राधिका बराबर लगे रहो, आंधी तूफान रोक नहीं सकता राधिका को इस टाइम, देखो अगर आपने
एक की इनकम को 240 रुपीज इंक्रीज कर दिया तो ए का जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 10% से 15%। भाई जब आपने 240 रुपीज इंक्रीज करा तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 5%। 5% की वैल्यू है 240, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 48। 1% की वैल्यू है 48, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4800। तो ये हमारे पास ए का प्रॉफिट आ गया भाई, ये हमने ए के लिए फाइंड आउट करा है ना, तो इसका मतलब अब हमें 4 की वैल्यू गिवन है 4800, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1200। उमंग इतनी दुखी और उदास क्यों हो? तो क्या गंदा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आ रहा। एक बार कर लो, फिर से कर लेंगे इसको। यस सर। एक बार लेकिन समझ लो, 4 की वैल्यू है हमारे पास 4800, 1 की वैल्यू होगी 1200, 1 की वैल्यू है 1200, तो 5 की वैल्यू कितना होगी? 6000 और सी की भी 6000, सी की भी 6000। बताओ किसको समझ आया और किसको समझ नहीं आया? तो मतलब थोड़ा अलग अलग ही क्वेश्चन है अभी, जो पिछले 3-4 क्वेश्चंस में से भी अलग लग रहा है थोड़ा। अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बोलता है भाई। देखो फिर से। भाई अगर आप बिल्कुल एकदम ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिर इस चैप्टर में आपके पास ओनली 10 ही क्वेश्चंस होते बस। लेकिन फिर भी देखो ना इस चैप्टर की कोई वर्कशीट होगी ना कुछ, क्योंकि इससे ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं, तो मैंने मैक्सिमम जितना भी कुछ हो सकता है ना वो यही ऐड कर दिया। इसलिए इसमें थोड़े से जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा अच्छा है, और ये क्वेश्चन वैसे देखो आप टोटल प्रॉफिट को एज्यूम कर लो 14, टोटल प्रॉफिट को आपने एज्यूम करा 14, ए को कितना मिला? अब फटाफट से बोलो सब, तब समझ आएगा। टोटल है 14, 4 दे दिया आपने ए को, रिमेनिंग कितना बचा? 10, 10 को आपने बी और सी में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो मतलब बी को भी कितना मिला होगा 5 और सी को भी कितना मिला होगा 5। यहां तक की बात क्लियर? उसके बाद देखो हमें एक लाइन गिवन है, अगर हमने ए की इनकम को 240 रुपीस इंक्रीज कर दिया, अगर हमने ए की इनकम को 240 रुपीस इंक्रीज कर दिया तो ए का प्रॉफिट 10% से 15% हो गया। भाई जब आपने इनकम को 240 इंक्रीज करा तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 5% इनकम एज इन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, इनकम इन्वेस्टमेंट एक ही तो बात है, जितनी इनकम होगी उतने तो इन्वेस्ट करोगे। यस सर। जितना दिमाग है उतना ही तो यूज करोगे अब, ठीक है? अब बिल्कुल सही है, ये लाइन रहेगी थी शुरू से। 5% की वैल्यू है, आप डायरेक्ट परसेंटेज में चले जाओ कहीं भी। भाई जब आपने 240 इंक्रीज करा तो परसेंटेज 5% इंक्रीज हो गई, इसका मतलब 5% की वैल्यू होगी 240, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 48। 1% की वैल्यू है 48, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बताओ अब यहां तक समझ आया?
यस सर। उसके बाद देखो ये प्रोसेस था हमारे पास ए के लिए। अब ए की आप वैल्यू पे वापस आ जाओ, फोर की वैल्यू है अब हमारे पास 4800। भाई ये तो हमने अभी अभी फाइंड आउट करा था, इसको फोर के लिए फाइंड आउट करा था ना, सॉरी ए के लिए। तो फोर की वैल्यू है हमारे पास 4800, तो वन की वैल्यू कितनी होगी 1200। वन की वैल्यू है 1200, फाइव की वैल्यू कितना होगा 6000, और सी को भी कितना होगा 6000। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम है, उससे करेंगे तो और ज्यादा बातें समझ आएंगी। बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। अब एकदम सेम क्वेश्चन है, अब आप मेरे साथ साथ बताओ। सबसे पहले आप ये बताओ टोटल प्रॉफिट को कितना एज्यूम करोगे? कितना? 40। हाँ 40 भी कर सकते हो, लेकिन 16 कर लेंगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा। मान लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने एज्यूम करा 16 तो ए को कितना मिलेगा इसमें से? 10। 10 रिमेनिंग कितना बचा उमंग? 6। 6 बी और सी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यस सर, 3-3। 3-3। अब ये तो आ गए हमारे पास इनके रेशियो की बात। अब उसके बाद देखो ए के इनकम को जब आपने 450 रुपीज इंक्रीज करा तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? फाइव परसेंट। भाई जब आपने इनकम को 450 रुपीज इंक्रीज करा तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 5%। तो 5% की वैल्यू है 450, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 90। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 9000। अब ये प्रोसेस था हमारे पास ए के लिए। अब आप ए से कंपेयर कर लो, 10 की वैल्यू गिवन है 10000, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10 की वैल्यू 9000। वन की वैल्यू 900, तो थ्री की वैल्यू कितनी होगी? 2700 and 2700। अब बताओ बच्चों देखो ये जो पार्टनरशिप है ना, इसमें हमारे पास मैक्सिमम बस इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इतना कुछ ही कर सकते हो। तो बस मैक्सिमम तुम्हारे पास पार्टनरशिप में इतना ही हो सकता है। अब देखो यही सब बातें घूम फिर कर तो आ सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये सब ही रहेगा। बताओ बच्चों यहां तक कोई डाउट? तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों टाइम एंड वर्क के साथ। देखो अब ना आपके पास कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं आएगा, टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर। हाँ एक चैप्टर आएगा टीएसडी, उसमें थोड़ी सी दिक्कत तुम्हें हो सकती है, बाकी अब तुम्हें किसी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत वाले चैप्टर वो स्टार्टिंग के ही थे, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस CISI, थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको वही बोलो। तो सर हम कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, जैसे इसमें आपने 16 अज्यूम किया हम? हाँ बिल्कुल, आप 8 का कोई भी मल्टीपल अज्यूम कर लो। ओके सर, और बोलो सर आप स्टार्टिंग की बात क्या पढ़ा रहे हो अभी? स्टार्टिंग में कहाँ पर? न्यू बैच में? न्यू बैचेस में। न्यू बैचेस में दोनों जगह प्रॉफिट एंड लॉस। मैं रोमा मैम से बोल। इवनिंग वाले बैच में प्रॉफिट एंड लॉस की ओनली वन क्लास हुई है,
और मॉर्निंग वाले बैच में टू क्लासेस में कंप्लीट होता है। ज्वाइन करना होगा तो रोमा मैम से बात करूं? आप उसके लिए आपको रोमा मैम से बात करनी पड़ेगी। उमंग मिक्सचर एंड एलिगेशन डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन का तो थोड़ा सा आपके लिए कर दिया, जितने देखो एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है उसको आप हर एक चैप्टर में अप्लाई कर सकते हो। तो हमने क्या करा, जितने टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन अप्लाई हो सकता है वो मैं आपको एक साथ करा दूंगा, तो आपका एलिगेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। दिन रात की मेहनत के बाद क्वेश्चन मिले हैं, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो। और मिक्सचर तो मिक्सचर ही है जो आप बनाते हो ना। नहीं सर आप बोलिए कंप्लीट। नहीं नहीं बोलो आप, मेरा तो कुछ ऐसा नहीं था खास, बोलो। सर ये मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर एग्जाम का पार्ट है, मतलब मैंने कभी किया नहीं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर तो मिक्सचर है, मतलब कोई भी मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर। यस सर, टोटली एग्री विद यू सर। यस सर, कंप्लीटली एग्री। आपने किसी को देखा हो थोड़ा वो ब्राउन कलर के पानी में थोड़ा व्हाइट कलर का पानी मिलाते हैं? ये रह गया था। और जो एलिगेशन है, मुझे लगा ही था आप ऐसा ही कुछ बोलोगे। वो एवरेज फाइंड आउट करने का एक लेटेस्ट मेथड है। ये एलिगेशन वाला तो पूरा ही अलग से एक सेपरेट कर दिया आपके लिए, आप टेंशन मत लो। जितने भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो वो सब मैं आपको एक साथ करा दूंगा पूरी अर्थमेटिक के, बस आप उन क्वेश्चन को कर लेना, बस आप वहां एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो। और उतना करने के बाद आप समझ जाओगे अदर क्वेश्चंस में भी अगर करोगे तो कैसे कर सकते हो। वो टेंशन आपकी नहीं है, वो मेरी टेंशन है। राधिका चेक कर लेंगे हम एक बार। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हर बार दिक्कत होती है हर बैच में, और अगर एक ही दिक्कत बार बार आती है तो फिर उसका कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो उसकी दिक्कत दूर कर दिया, आप टेंशन मत। सर एक चीज पूछना था, कल आप एल्जेब्रा स्टार्टिंग से कराओगे 9 बजे वाली क्लास में? एल्जेब्रा बिल्कुल नहीं कराएंगे, बस जो आपको शीट दिया क्वेश्चंस वाली उसको कराएंगे। अच्छा, नहीं टाइम टेबल में मेंशन था ना इसलिए मुझे कंफर्म करना था। वो एल्जेब्रा मैंने नोट करा दिया था क्योंकि वो क्वेश्चंस कराने हैं आपको, इसलिए एल्जेब्रा कराएंगे। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हाँ जी सर। ओके ओके, बोला दीपक सर जी। आपने लास्ट सैटरडे कहा था कि रितेश बोल रहे क्या? सर मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट सैटरडे आपने बोला था कि सिंपलीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की पीडीएफ आएगी, गुरुजी नहीं आई, गुरुजी नहीं आई। अब इसमें कौन सा फॉल्ट में कंसीडर किया जाए सर, मतलब टेक्निकल में और मैकेनिकल सब किस फॉल्ट में? उस दिन मैं चला गया था आपकी क्लास, मैं आपकी क्लास लेने आया था और क्लास लेकर सीधा चला गया, उसमें रोमा मैम की कोई गलती नहीं है, वो अभी आ जाएगी 3 बजे के बाद। सर शिद्दत से, शिद्दत से मैं वेट कर रहा था कि आएगा और आज तो पीडीएफ खुलेगी, और सर मतलब पहली दफा मूड में बैठा था मैं कि आज तो भाई होगा पक्का 5, लेकिन मैं 7:30 तक वेट करता रह गया कोई पीडीएफ की नहीं। बात ही नहीं थी वो, तो अगर आप मैथ डाउट वाला ग्रुप देखते उसमें जरूर मिल जाएगी। मैथ डाउट वाला ग्रुप 100% पार्टनरशिप का पीडीएफ इंद्रनील को कांटेक्ट किया जाए, इंद्रनील को बुलाया जाए, ये पता सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी कुछ रह जाए तो मैं स्पेशल आपके घर आ जाऊंगा। सर एक चीज सर प्लीज, सर इसके इसमें बस प्लीज ये पीपीटी के क्वेश्चंस के आंसर्स लास्ट में लिख दोगे क्या? देखो अमीना मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पीपीटी बना रहा हूँ, मतलब इनसे अलग। अब ऐसा थोड़ी ना आप यही सब करते रहोगे, ऊपर भी तो जाना है ना। जैसे मिक्सर एंड एलिगेशन, जहां से मैंने आज पढ़ाना स्टार्ट करा और आज तक हर एक बच्चे को इस मिक्सर और एलिगेशन में हमेशा डाउट रहता है, लेकिन आपको नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस चेंज कर दिया, मिक्सर को अलग कर दिया, एलिगेशन को अलग कर दिया। एक बार बस ये थोड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं सारे आंसर्स को लिख कर लिखूंगा,
देखो ये जो आंसर नीचे लिखना है ना, पहले मुझे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा। तो वो मैं आपकी कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन पहले जो आगे वाले डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना, उनको एक बार थोड़ा सा अरेंज कर दें, जिससे वहां दिक्कत ना हो। समझ गए ना? यस सर। ना चाहती थी उस दिन आपने भेजा ही। सारे बच्चे उसी दिन तो प्रैक्टिस करते हैं, आज मैं भेजूंगा, कल पूछूंगा कितने प्रैक्टिस करें। ओके बच्चे, चलो बाय बाय, 3 बजे आ जाएंगे आप।